सांसद लालू पटेल, दमण म्युनिसिपल प्रेसिडेंट मुकेश पटेल और युवा नेता सौरभ बारड ने मशाल चौक क्षेत्र में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक सेवा समिति के दुर्गा पूजा महोत्सव में सम्मिलित हुए। साथ में काउंसिलर अस्पी दमणिया साथ ही संतोष पटेल भी दुर्गा माँ के दर्शन को पहुंचे। सांसद लालू पटेल, डीएमसी प्रेसिडेंट मुकेश पटेल और युवा नेता सौरभ बारड के साथ उपस्थित सभी महानुभवों ने सामूहिक रूप से माँ दुर्गा की आरती उतारी, माँ दुर्गा की पूजा की और माता से सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की। पूजा मंडप में पहुँचने पर आयोजकों ने सभी अग्रणियों का स्वागत सत्कार किया। 19 अक्टूबर को मंडप में सांस्कृतिक भजन संध्या भी रखी गयी है। पिछले 16 वर्षों से उत्तर भारतीय सांस्कृतिक सेवा समिति सार्वजनिक दुर्गा पूजा मनाती आ रही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना, आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना
2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले छे, ए शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु छे, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करी शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर हर व्यक्ति को लेना है। इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब तेमज प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आ योजना जे हमारे गामडा में आवी, जेमने थी अमे सारी रीते इलाज करी सके छे बीमारियों नो, तेथी एमनो धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ीने एमने आभार व्यक्त करिए छे। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।